सामने जो खड़ा उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार को आप जानते हैं जो भ्रष्टाचार का प्रतिमूर्ति है, जो बेल पर है। हमारे एनडीए लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तुष्टिकरण से, परिवारवाद से, और ये सामने का उम्मीदवार उसकी प्रतिमूर्ति है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। मैंने अपने 5 साल 10 साल में आपका सर कभी झुकने नहीं दिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी जांच कर ले, अपने जीवन काल में एक कट्ठा जमीन लेने का काम नहीं किया। पूछे कहां से कहां पहुंच गए, बिग्घा का बिग्घा फ्लैट महल दिल्ली से के न जाने कहां कहां है, मुझे नहीं कहने की जरूरत। मैं आया हूं 5 साल में अपने मोदी जी के जो विकास के काम यहां तक पहुंचाया है, आपकी सेवा की है, मजदूरी की है, मजदूरी मांगने आया हूं। आप सब लोगों को जो प्यार और स्नेह 10 साल के दरमियान माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी की संयुक्त रूप से जो विकास की गाड़ी आपके घर और दरवाजों तक पहुंचाने का काम गया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई आदमी, बिहार का कोई आदमी, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण जाति का हो, सामान्य जाति का हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बिना भेदभाव के उनके जन उनके गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है और विकास उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। पिछले 5 साल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता होने के हस्से से आपकी सेवा की, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, पूरे अपने 45 साल के सार्वजनिक जीवन में बेदाग होकर के आपकी मैंने सेवा की है, रात दिन सेवा की है, 24 घंटा 7 दिन आपके दुख सुख का साथ ही रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का काम आपके तक पहुंचाने का काम किया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वो सामने जो खड़ा उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार को आप जानते हैं जो भ्रष्टाचार का प्रतिमूर्ति है, जो बेल पर है, उसके परिवार के लोग बेल पर हैं। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारे एनडीए लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तुष्टिकरण से, परिवारवाद से, और ये सामने का उम्मीदवार उसकी प्रतिमूर्ति है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, देश के सच्चे प्रधानमंत्री जिसने पूरे 5-10 साल में दुनिया में हमारा सर ऊंचा करने का काम किया है, बिहार के गरीबी को हटाने में अब तक 60 वर्षों के कांग्रेस पार्टी से सबसे अधिक गरीबी को दूर किया है और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत माता को ताकत देने के लिए, हिंदुस्तान के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए एक एक मत माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए। मैंने अपने 5 साल 10 साल में आपका सर कभी झुकने नहीं दिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी जांच कर ले, अपने जीवन काल में एक कट्ठा जमीन लेने का काम नहीं किया। एक रुपया किसी पर मेरे ऊपर आरोप घूस लेने का नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ पूछे कहां से कहां पहुंच गए, बिग्घा का बिग्घा फ्लैट महल दिल्ली से के न जाने कहां कहां है, मुझे नहीं कहने की जरूरत। पूरे 40 साल में मेरे पास 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मेरे बाप दादा के। ये भ्रष्टाचार की मूर्ति के खिलाफ मैं आया हूं आपसे बात लेने के लिए। जो 5 साल में 5 दिन आपके बीच में नहीं आया वो ऐसा उम्मीदवार है, इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आया हूं 5 साल में अपने मोदी जी के जो विकास के काम यहां तक पहुंचाया है, आपकी सेवा की है, मजदूरी की है, मजदूरी मांगने आया हूं, और मोदी जी को प्रधानमंत्री ताकत के रूप में देने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमसे कोई भूल चूक होगी उसको माफ कीजिएगा, मगर अपने बेटा अपने सेवक को अपना आशीर्वाद देकर काम कीजिएगा। मैं सेवक रहा हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा किया हूं और आगे भी करता रहूंगा मोदी जी के आशीर्वाद से। अपना एक एक वोट 1 तारीख को कमल पर बटन दबाइए और दूसरे नंबर पर बटन दबा करके अपने बेटे को पुनः सेवा का मौका दीजिए और प्रधानमंत्री जी को बनाने का आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।